गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग एक नए यूनिट की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण होता क्या है, तो आप कहेंगे किन्हीं समान नेचर वाले, जिनका क्या हो, समान नेचर हो, शेप हो, साइज हो, जिनका समान हो उनको एक साथ रखना, और जो समान ना हो उसे क्या कर देना, अलग कर देना, ये क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। सिंपल भाषा में हमने इसको समझाने की कोशिश की, वर्गीकरण को हम क्या कह सकते हैं, ऑड वन आउट करना, यानी जो विषम होगा उसे ही क्या करना, अलग करना। देखिए क्लासिफिकेशन हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन जिसमें अंकों का उपयोग होगा, अंक कोई भी हो सकते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लेटर क्लासिफिकेशन जिसमें अक्षर का उपयोग होगा, अल्फ़ाबेट कोई से भी हो सकते हैं। थर्ड में हमने पढ़ना है अपने को वर्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि शब्द का वर्गीकरण, यहाँ पर नाम, स्थान, वस्तु, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं नंबर क्लासिफिकेशन की। नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, अंकों का वर्गीकरण होता क्या है, जिसमें देखिए जैसे चार ऑप्शन अपने पास दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक विषम होगा उसे अलग करना क्या कहलाएगा, नंबर क्लासिफिकेशन, जिसमें अंक का उपयोग होगा। उसमें देखिए किस बेस पर हमें अलग करना है, ध्यान रखिएगा बेस क्या होना चाहिए। तो पहला बेस हमें क्या ध्यान रखना है कि वो कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएँ जिनके केवल दो गुणनखंड हो। अ नंबर हैविंग Having only two factors, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसी बढ़ती जाएंगी। फिर दूसरा केस आपको क्या ध्यान रखना है, वो संख्याएं स्क्वायर अथवा क्यूब तो नहीं है, यानी वर्ग और अथवा घन तो नहीं है, इसलिए आपको वर्ग और घन आपको याद रख लेना है। कम से कम आप ध्यान रखिएगा, कम से कम 30 तक का आपको क्या रखना है, स्क्वायर याद कर लेना है, और आपको 20 तक का आपको क्या याद रख लेना है, क्यूब याद रखना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा मल्टीपल ऑफ वन नंबर, यानी जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो किसी एक ही संख्या के क्या होंगे, गुणज होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो उससे डिवाइड नहीं होगा। लास्ट ऑपरेशन, इसकी हम लोग बात करेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम लोग उसमें सम ऑफ डिजिट लगाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीपल अथवा डिवाइड करेंगे, डिवीजन का रूल लगाएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं, चलिए हम लोग को सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहला एग्जांपल अपने पास है कि 12, 17, 15 और 6, इसमें कौन सबसे अलग है ये हमें पता करना है। तो रूल याद है ना, सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्राइम नंबर। देखिए क्या 12 प्राइम नंबर है, नहीं, 17 प्राइम नंबर है, 15 नहीं है और 6 नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, 17। 17 आंसर क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगले एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए 16, 56, 128 और 2, 16 क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, क्या ये कोई स्क्वायर है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए अगले की बात करें, यहाँ देखिए 36 स्क्वायर है, 64 एक क्यूब है, 54 और 108। देखिए अब इसमें अगर अलग करना है तो देखिए अपना आंसर क्या होगा, 64 हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर एंड क्यूब बोथ है, स्क्वायर भी है और क्या है, क्यूब भी है। स्क्वायर किसका है, 8 का, क्यूब किसका है, 4 का। देखिए अगले की बात करें, 18, 15, 12 और 22, अब इनमें चेक करें तो कोई भी स्क्वायर नहीं है, ना तो कोई प्राइम नंबर है, तो मल्टीपल देख लेते हैं, गुणज देख लेते हैं हम लोग की आगे कौन गुणज है, किसका गुणज है। तो आप देखिए ये 2 है, ये है 3, ये 3, आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 2 का है और ये 2 का है, ये आपका आंसर हो जाएगा सर। ये आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये 2 का क्या है, गुणज है। सर अगर हम इसे 3 का गुणज पर सॉल्व करते तो हमारा आंसर क्या होता, 15, 12 और ये तीनों 3 से कट जाते, आंसर क्या हो जाता, 22 हो जाता। पर आपको ध्यान ये रखना है कि पहले छोटी संख्या का गुणज लेना है, बाद में बड़ी संख्या का, अगर 2 से भी नहीं निकलता तो। यहाँ देखिए ये क्या है, 2 का गुणज नहीं है, ठीक है, बाकी सब क्या है, ये 2 का गुणज है, ये 2 का गुणज है और ये भी क्या है, 2 का गुणज है। लास्ट वाले देखिए, ये 343, 64, 75 और 27, देखिए ये क्या है, 7 का क्यूब है, ये क्या है, 4 का क्यूब है और ये क्या है, 3 का 27, 3 का क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या नहीं है, घन नहीं है। कोई दिक्कत है,
आप देख पा रहे हो किस आधार पर हमने आंसर निकाला है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर सिक्स नंबर एग्जाम्पल क्या है, 169, 196, 289 और 255। देखिए अगर स्क्वायर क्यूब हमें याद रहेगा तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे कैसे। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 13 का। ये किसका स्क्वायर है, 14 का। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, 17 का। और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए अपना आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 255। ठीक है, चलिए अगले की बात करें। यहाँ पर सातवें, यहाँ देखिए 91 है, 26 है, 78 है और 84। आप देख रहे हैं कोई भी स्क्वायर नहीं है और प्राइम नंबर भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि सभी किसी न किसी की क्या है, गुणज है। तो जब गुणज पता करना होगा तो आपको ध्यान रखिएगा टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद होगी तो आसानी से काम हो जाएगा। जैसे ये इसका गुणज है 13 से 3 9, 13 2 26। ठीक है, 13 6 78, ये 13 का गुणज नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, 84 हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए आठवें नंबर की बात करें, यहाँ क्या लिखा है, 37 145 50 और 120। चलिए इसको देखते हैं क्या ये स्क्वायर बन रहा है। ये आंसर लग रहा है कि स्क्वायर है, कैसे देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, आया ना, देखिए आसानी से आपको पता चलेगा। ये देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, 12 × 144 प्लस 1। या देखिए 749 प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। या देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए 12 का 11 का स्क्वायर निकाले तो 121 होता है। 121 यानी ये क्या है, 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, यानी यही आपका क्या होगा आंसर। हर जगह क्या है प्लस 1, वहां पर क्या है माइनस 1 है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन हमने दिया डबल डबल डिजिट का। जब भी दो दो अंक होंगे ध्यान रखिएगा सबसे पहले उनके बीच का गैप निकालिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर गैप निकाल ही लेते हैं, तो 21 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए। जैसे आप 5 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 16। यहाँ पर देखिए 45 और 19 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, तो आप देखिए 20 यहाँ पर, 20 5 25 और 26। ठीक है, यहाँ पर देखिए 87 और 71 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 9 7 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। या देखिए 61 और 52 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ 26 है, यहाँ पर 16 है और वहां पर क्या है, 9 है। क्लियर है ये बात। अब आप देखिए कि इसमें से आंसर कौन सा होगा, सभी के सभी क्या है एकदम से अलग है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस है इनके बीच का, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सम है, इवन नंबर है, जबकि यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की बात करें। यहाँ पर भी डिफरेंस निकाल कर देखिए, 84 है और 67 है, 84 और 67 में कितने का गैप से देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर, 3 10 3 13 13 4 17, यहाँ पर 17 का गैप है, 112 95, 12 5 17 यहाँ पर भी गैप है, 167 50 17 यहाँ पर भी गैप है, जबकि यहाँ देखिए 79 और 63 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 7 9 7 16, यानी यहाँ पर 16 का गैप है अलग है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 79 और 63। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेम सीरीज से ही। यहाँ पर देखिए नंबर क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या दिया है, 27 125 216 और 343। अगर आपको क्यूब याद हो तो ये किसका क्यूब होता है, तो आप बता दो सर 3 का क्यूब है। याद हो तो ये किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। और ये किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। और ये किसका क्यूब होता है, 7 का। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 5 और 7 एक ऑड नंबर है, जबकि 6 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसकी बात करें, यहाँ से 1 से 5 है, चलिए 1 से 5 कैसे बनेगा, तो आपको सर 5 का गुणा कर दो, 5 × 5, 4 में भी किसका गुणा कर दो, 5 × 5 = 20। यहाँ देखिए यहाँ गुणा नहीं हो पाएगा, ये आपका आंसर है, यहाँ गुणा हो पाएगा 7 का ना, 35। छोटे नंबर में 5 का गुणा करें तो बड़ा नंबर बन जाता है। देखिए 1 और 0 है यहाँ, 2 और 3 है, 3 और 8 है, और 4 और 27 है। देखिए कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 1 यहाँ पर है, 0 है यहाँ, 2 और 3 है, कैसे ये अलग हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, बाकी सब ऐसे नहीं है, इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो आपको देखिए इस सीरीज में क्या अलग दिख रहा है, तो दिख रहा है ना, नौ क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नौ क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तीन का। नीचे वाले देखिए क्या अलग दिख रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये तीन का नौ, तीन चौक बारह, तीन पच्चीस पंद्रह, तिछंग अठारह, लेकिन बाईस तीन का गुणज नहीं है, इसलिए तीन क्या आपका गुणज बाईस ना होने पर आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, आप एक बार और चेक कर लीजिए कहां से कैसे निकाला, यहाँ स्क्वायर के बेस पर निकाला, यहाँ तीन का गुणज नहीं है इसलिए निकाला, ये दोनों प्राइम नंबर है, ये छोटी संख्या बड़ी संख्या पांच से गुणा होकर आ रही थी, और ऊपर वाले में ये सम संख्या का क्यूब था, बाकी सम संख्या के क्यूब